हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्ञानेंद्र वर्मा। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐप जिसका नाम है क्वेस्ट। ये मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर रखा हुआ है, मैं इसको दिखला देता हूँ पहले आपको। ये ऐप बेसिकली डिज़ाइंड है स्टूडेंट और टीचर के लिए, जिसके थ्रू कि बच्चों से आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने होमवर्क, क्लासवर्क, असाइनमेंट या टेस्ट को आप कंडक्ट कर सकते हैं। इसको काम करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं बाहर आता हूँ। पहले जाएंगे आप प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ लिखेंगे क्वेस्ट, QUEST, एंड देन आप स्क्रीन आइकन पे क्लिक करिए। मैंने ये ऐप पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो ये आपका इजीली डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। मैं पहले इसके कुछ फीचर्स की बात करता हूँ। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूँ तो ये अपीयरेंस काफ़ी अच्छी है इसकी। ये जस्ट लाइक आपको गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप और गूगल क्लासरूम के कॉन्सेप्ट के जैसा है, और ये काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है टीचर्स के लिए, ताकि वो अपना क्लास वर्क, होमवर्क या फिर असाइनमेंट या क्लास टेस्ट या फिर टॉपिक टेस्ट आप डायरेक्ट ले सकते हैं। इसमें आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हो और डिफरेंट कैटेगरी में क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप MCQ बना सकते हैं, देन आफ्टर आप ट्रू एंड फॉल्स बना सकते हैं, वन वर्ड आंसर बना सकते हैं। दैट मीन्स कहने का सेंस यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको क्वेश्चन बनानी है तो डायरेक्टली आप क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर आप ये सब ऑप्शंस देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस डायरेक्टली अवेलेबल है क्वेश्चन के टाइप के लिए, MCQ, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड। देन आफ्टर आपके पास नीचे ऑप्शन देखेंगे आंसर पार्ट में, ये ऑप्शन सेट करने के लिए, जस्ट लाइक आपको गूगल फॉर्म के जैसा लग रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई इमेज डालना है तो डायरेक्टली ऐड इमेज पे क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अगर बच्चे ने उसका एग्जामिनेशन दिया जो आपने क्वेश्चन सेट करा, तो आप उसको डायरेक्ट इवेलुएट कर सकते हैं या ऑटो इवेलुएशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। देन आफ्टर अगर मान लीजिए कुछ इंडिकेट करना है आपको कि आपने बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्या उनका सही है, गलत है, या कुछ कमेंट करना है, तो बॉटम साइड में देखिए पेंसिल एंड टी सिंबल अवेलेबल है। टी के थ्रू आप कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं तो लिख पाएंगे, और पेंसिल के थ्रू आप इंडिकेट कर पाएंगे जैसे भी राउंड किया हुआ है। उसके बाद आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट लाइक जैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं बच्चों का व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर स्नैप होमवर्क में जाके हम लोग रिपोर्ट करते हैं बच्चों से, लेकिन वो वन वे होता है, नॉर्मली हम लोग टू वे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। व्हाट्सएप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन दे रहे हैं ग्रुप के अंदर और बच्चों से कह रहे हैं कि आपने आंसर पोस्ट करो, तो वो पोस्ट पब्लिक हो जाती है, हर कोई उसको देख पाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो बच्चे ने आंसर दिया पहला, वो अगर करेक्ट है तो बाकी लोग कॉपी करते हैं। खैर जो भी है, ये भी एक सीखने का तरीका है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है कि आप डायरेक्टली ग्रुप क्रिएट करिए एंड देन आफ्टर बच्चों को कनेक्ट करा लीजिए। ठीक है, कनेक्ट करने के काफ़ी सिंपल स्टेप्स हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जस्ट मैं आगे बताऊँगा। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों के परफॉर्मेंस। जैसे गूगल फॉर्म वगैरह में आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद आपके पास परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ जाते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट एक मिनिमम रिपोर्ट होता है। आप यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं बच्चों का कि कौन से पार्ट में उनका क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, बारी बारी से। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का जो इंटरफेस बनाया गया इस ऐप के अंदर, वो थोड़ा गेमिफाइड है। गेमिफाइड का सेंस कि बच्चे आज के डे में गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और टीचिंग को हम लोग डायरेक्टली गेम के फील्ड में तो नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ हम लोग गेम के फॉर्म में अपना एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं, जिससे कि वो इंजॉय कर सके और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं उनको रिजल्ट इस तरीके से उनको बारी बारी से दिखता है यहाँ पे, कि उनकी मास्टरी लेवल है, कि प्रोफिशिएंसी क्या है, देन आफ्टर फैमिली कितने लेवल पे है, ये हमें रॉकेट पॉइंट से यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो ये हमारा बेसिक है पॉइंट जो कि यहाँ पे इंडिकेटेड है। इसकी रेटिंग भी अच्छी है 4.1, और क्योंकि ये न्यू ऐप है तो अभी इनके पास रिव्यूज़ काफ़ी कम है, 845 ओनली, और बाकी सारे यहाँ पे जो भी आप रिव्यू देखेंगे, पढ़ेंगे, या रिव्यू भी काफ़ी बढ़िया रिव्यू दिया हुआ है, तो ये काफ़ी बढ़िया पॉइंट है समझने के लिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेस्ट पे काम कैसे करते हैं। क्वेस्ट पे काम करने के यहाँ पे मेनली 3 to 4 स्टेप है। नंबर वन स्टेप है प्रोफाइल क्रिएशन। पहले आपको एक आईडी क्रिएट करनी होगी, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपसे एक आईडी क्रिएट करने की बात करी जाएगी, जिसमें आप अपना फुल नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी से वो वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली आना है होम टैब पे, सॉरी मैंने क्लिक कर दी, होम टैब पे, एंड होम टैब में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है
ग्रेड एंड क्लासेस को सेलेक्ट करने का। अभी जैसे इस ऐप को अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये ऐप आपको क्लास 1 to क्लास 10 तक का ही आपको एक्सेस देता है। अदरवाइज़ आप अदर क्लासेस को, जैसे मैंने 11 12 ऐड करा है, यहाँ ऊपर मैं आईपी में पढ़ाता हूँ तो आईपी यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर ग्रेड एंड सब्जेक्ट में जा कर के आप अपने क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट में ऐड न्यू ग्रेड्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 11 12 जो भी आपको डालना है। नेक्स्ट थिंग, जो भी आप क्लासेस पढ़ाते हैं हर क्लासेस के सारे सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल हैं। जैसे 9 क्लास है या 10 क्लास है, चलिए 10 क्लास लेता हूँ, 10 क्लास में मैं आईटी पढ़ा रहा हूँ। आप अगर बायो वाले हो, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो सब्जेक्ट एडेड नहीं है आप उसको अलग से फिर ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए ओके, मैं अभी करंट में एक पॉइंट लेता हूँ, जैसे कि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 के लिए मैं इस क्लास को भी पढ़ा रहा हूँ। मैं इनके लिए एक कोस्ट बनाना चाहता हूँ, यानी कि क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बना रखा है, दैट इज़ साइबर टेस्ट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे अपना एक नया टेस्ट शुरू करना है, या फिर मैं एग्जिस्टिंग सेट पे भी काम कर सकता हूँ। मैंने क्या करना है कि मुझे एक नया क्वेश्चन पे क्लिक करना होगा। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का नाम दे दिया, जस्ट लाइक मैं अभी कोई टॉपिक ले लेता हूँ, जैसे कि एज फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन लिस्ट, ओके ये टॉपिक है हमारा, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ अभी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना है, तो क्रिएट न्यू कोस्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे नाम देना है मुझे, ठीक है। तो पाइथन में मैं क्या यहाँ पे टेस्ट लेने वाला हूँ उनसे, तो पाइथन का टेस्ट लेने वाला हूँ लिस्ट टेस्ट नंबर 1, ठीक है। ये पहला टेस्ट है लिस्ट से जो पाइथन में हम पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाते हैं ऑलरेडी या पढ़ा चुके हैं। न्यू क्वेश्चन पे क्लिक किया एंड देन आफ्टर देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए मैंने दिया कि लिस्ट इज प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स वाला है, तो मैंने ट्रू फॉल्स सेलेक्ट किया। अब देखिए नीचे में ट्रू फॉल्स आ गया, मैंने आंसर दे दिया ट्रू। अगर मान लीजिए आपको एमसीक्यू बनाना है तो आप एमसीक्यू बना सकते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या है आप बता सकते हैं। चलिए मैंने इसको ट्रू फॉल्स किया, अभी मैं ट्रू फॉल्स ही करूँगा। नेक्स्ट थिंग है, मैं जो ये क्वेश्चन ले रहा हूँ ये किस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। मैंने इसको इंडिकेट कर दिया कि ये पाइथन के लिस्ट टॉपिक से इंडिकेटेड है, तो मैंने नेक्स्ट किया, इसको क्लिक कर दिया। देन आफ्टर जैसे ही हम यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। फिर ऐड पे क्लिक किया अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए अगला क्वेश्चन देते हैं लिस्ट इज सेपरेटेड बाय डैश सिंबल, ठीक है क्वेश्चन है। अब मुझे इसको एमसीक्यू बनानी है, मल्टीपल चॉइस में, सिंगल चॉइस कनेक्शन है हमारा ये, तो इंडिकेट करना है। मैंने यहाँ पे दिया कि लिस्ट को इंडिकेट किया जाता है बिग ब्रैकेट के थ्रू, पेयर ऑफ बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट हमने दिया कि इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के थ्रू यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए और ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक कीजिए एंड देन आफ्टर हम लोग तीसरा पॉइंट ले सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस। करेक्ट आंसर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर मैंने यहाँ से सेट कर दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट से बिलोंग कर रहा है, तो आप देखेंगे कि मैंने लिस्ट से ही इस पे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, तो हमने इसको लिस्ट ही सेलेक्ट करना है एंड देन आफ्टर ऐड। अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चन ऐड हो चुके हैं, मैं ज़रा बैक आता हूँ बैक। अभी करंट में हमारे पास ये दो क्वेश्चन आ गए, आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड देन आफ्टर इसको आप शेयर विथ स्टूडेंट या शेयर टू कोस्ट कर सकते हैं। असाइन टू कोस्ट में जाते हैं, असाइन किया हमने। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन कब एक्टिवेट होगा। मान लीजिए मैं कल के डे में क्वेश्चन एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया 28 तारीख को, और ये क्वेश्चन एक्टिवेट होगा 12:20 पे, 20 ओके किया हमने। और देन आफ्टर ऑप्शन होती है ड्यूरेशंस। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये एक दिन का ही क्वेश्चन है, यानी कि कल के डे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए और सबमिट भी हो जाने चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर दिया 24 आवर के लिए, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा।
यानी मुझे जो भी रिजल्ट देखना है यहाँ से दिखेगा। इसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप इंडिकेट करता है कि आप कौन से क्लास को आप ये क्वेश्चन देना चाहते हो। मान लीजिए मैं क्लास क्लास 12 के लिए क्वेश्चन बनाया है मैंने, तो मैंने क्लास 12 सेलेक्ट किया एंड देन आफ्टर सेंड कोस्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिक चला गया है। अब मैंने देखिए यहाँ पे ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी टेस्ट के नाम से बनाया हुआ है एंड देन लिस्ट टेस्ट 1 के नाम से बनाया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड कोस्ट। यहाँ से आपको पता चलते जाएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन बनाई है, उसमें कितने क्वेश्चन हैं और कितने बच्चों ने रिप्लाई करी। जैसे ही रिप्लाई आएगा तो यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ग्रुपिंग की। तो जैसे बच्चों को आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के लिए एक मीडियम देने की ज़रूरत है, तो आप वो ग्रुप से करेंगे। ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, अपने ग्रुप का नाम दे दीजिए। जैसे मैं आईटी पढ़ाने वाला हूँ, आईटी 402 कोर्स का नाम है। किसके लिए देना है, तो क्लास 10 के लिए। अब मेरे पास सेक्शन कौन कौन सा है, तो सी है और डी है। मान लीजिए दो सेक्शन है, सेशन 2021 एंड 22 दे दिया एंड देन सेव इट। अब ये ग्रुप जैसे ही क्रिएट हो जाता है, ओके, उसके बाद आप यहाँ से इसको शेयर कर दीजिए जो भी आपके ऐप है। जैसे स्नैप होमवर्क से आप कनेक्टेड है बच्चों से, तो आप स्नैप होमवर्क पे कनेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भेजना है तो व्हाट्सएप से हो सकते हैं, ये ऑटोमेटिक वहाँ चला जाएगा उनके पास। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल में कनेक्ट करें बच्चों को, तो आप इसको कॉन्टैक्ट बेसिस में भी कर सकते हैं। अगर बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये आ गया, इतने सारे नेम आ रहे हैं जो अगर बच्चे आपके कनेक्टेड है आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं भी बैक करता हूँ क्योंकि आपके काम का नहीं है, बैक आया। तो दो तरीका मैंने आपको बता दिया, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका आईडी क्रिएट हो गया। तो ये आपका नॉर्मल सा वर्क है इस पे और ये काफ़ी कन्वीनियंट है। मैं आगे इस पे और अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।